किरण जी जो गई हैं वो और उनकी बेटी, मैं समझती हूँ कि पार्टी का नुकसान हुआ है उससे। सिर्फ ये कह देना कि चले गए, जो भी हो गया तो कहने की बात नहीं, लेकिन एक परिवार की लेगेसी रही है दशकों से। और किरण जी खुद भी देखो, जब इनका परिवार भी दूसरी पार्टी में था लेकिन ये कांग्रेस में रही थी उस समय भी, उनके जाना तो नुकसानदायक है, ठीक नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। तो आप ये समझो, अब तो चलो चले गए हैं, अब उनके बारे में मैं आगे तो क्या बोलूं। लेकिन स्टार प्रचारक क्या होता है, स्टार प्रचारक तक में उनका नाम नहीं दिया, उनका उनकी बेटी का, तो कहीं ना कहीं ये तो दिख ही रहा है ना कि पार्टी में कुछ इस तरह से काम जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था। पार्टी के नेताओं पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं, कितने सच्चे हो सकते हैं? कैसे? एक और जोड़ना चाह रहा था मैं। हाँ, उन्होंने बिना नाम लिखे कहा कि एक ही व्यक्ति विशेष का कब्जा पार्टी पे है। देखो, आप लोगों ने भी कहा कि उनकी सुननी चाहिए थी, तो क्या हम लोग ये मानने के आलाकमान की बातें पहुंच नहीं पाती हैं, या फिर व्यक्ति विशेष इसका जिक्र है तो ज़्यादा थोड़ा सा उसमें मजबूती से बैठा? देखो, वो अपनी बात का जवाब तो वो ही दे पाएंगे जब भी आप पूछें, लेकिन ये मैं ज़रूर, मैंने खुद कहा है ये पहले, उनकी बात से कृपया ना जोड़ें क्योंकि वो अपना अपनी बात वो खुद रखें। लेकिन मैंने तो खुद कहा है कि स्थिति हरियाणा में बहुत अच्छी थी, शायद लोगों ने उसको सही ढंग से पढ़ा नहीं, और हाईकमांड को या तो नीचे की समझ नहीं है, हमारे इंचार्ज को नीचे की समझ नहीं होगी, या उन्होंने सबसे ढंग से बातचीत या फीडबैक नहीं लिया होगा, वरना 5 की बजाय हम 8-10 भी सीटों की ओर जा सकते थे। और साफ नज़र आ रहा है कि भाई किस तरह से एक तरफा मामला, देखो राजनीति में हम भी और जगह के काम भी देखते हैं, अपनी पार्टी में भी हमने किया है काम, सारी उम्र होगी हमारे को भी पार्टी का काम करते हुए, तो बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी होता है राजनीति में। एक तरफा बात होती है तो आप ये समझो कि पार्टी में तो सभी हैं ना, तो आप किसी एक वर्ग को क्यों पीछे छोड़ते हैं? दूसरी पार्टियों से लाला के पार्टी ज्वाइन करवाते हो आप, उनमें गिनतियाँ करते हैं भाई, इतनों को ज्वाइन करवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जो घर में है उनको तो संभाल लो, उनके साथ तो इंसाफ करो। अब सीटों का बंटवारा जो भी एक अलग बात है, मैंने उसके बारे में कई बात कह दी है, पर ये बातें हैं कुछ जिनको आगे के लिए विधानसभा के लिए देखना होगा और इन चीज़ों को समझना होगा। देखो इसमें समान या क्या, क्योंकि 10 सीट होती हैं, 10 सीट में अब हरियाणा को इतना ज़्यादा बड़ा राज्य तो है नहीं, इसमें क्या तो आपने बंटवारा करना है क्या नहीं करना, सही ढंग से भी आप टिकट वितरण कर देते तो ठीक रहता। क्या बातें कैसे हुई हैं, अब आप मेरे को ये देखो कि राजबब्बर को कौन लाया, ब्रह्मचारी जी को कौन लाया? ब्रह्मचारी जी, आप क्या हरियाणा में हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे? और अगर हम इतने दिन से अपना मानते हैं तो हम कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाए, क्या कारण था? ये भी तो कमज़ोरी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखाई है। सीएम के सामने, एक्स-सीएम के सामने कैसे कैंडिडेट, कब तक फैसला नहीं, तो भाई जब बैलेंस एक तरफ इतना ज़्यादा था तो उन्हीं की चली होगी, उन्हीं की सिफारिशें ज़्यादा चली होंगी, हम तो अपने चुनाव में बिजी हो गए। देखो अब उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा, मैं किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं तो अपनी बात रखूंगी, और मुझे कोई सीख ना दे, जो हाईकमांड या जो पार्टी फोरम है हमको सारा पता है, कहाँ पे क्या हमने क्या कहा है क्या नहीं कहा, सारी बातें मीडिया के सामने हम नहीं रखते, कहाँ कहना है हमको सब पता है, वो भी सारी बातें मीडिया के सामने, मैं तो मोटी मोटी बात रख रही हूँ, सारी बातें मीडिया के सामने नहीं कर रहे,
बता रहे हैं जो सबको दिख रही है बात, जो आप लोगों ने भी विश्लेषण किया है, कुछ बातें हैं, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि आगे के लिए कैसे ठीक करें। मेरे को तो देखो, मैं तो अपने चुनाव में बिजी, मेरे को नहीं पता यहाँ पे कौन सी क्या पार्टी के जो फैसले हैं। जैसे राज्यसभा चुनाव के लिए खान साहब का स्टेटमेंट था कि हम लोग चुनाव नहीं क्योंकि नंबर्स नहीं है, इस आएगा तो हम लोग उनको समर्थन कर देंगे। विपक्ष ने उस पर सवाल उठाए हैं, अभय सिंह जी बाला की देखिए स्टेटमेंट क्योंकि भाग रहे हैं, जब नंबर तो आपके पास अविश्वास प्रस्ताव के भी नहीं थे, आप उसका तो नाटक करते हैं लेकिन राज्यसभा में कैंडिडेट उतारने से डरते हैं, क्या ये इस तरीके के जो फैसले? ये तो आपस में पार्टियों में चलता रहता है, ये फैसला अब आगे होगा, जो भी होगा जैसे भी होगा इसमें देख लेंगे जो भी हो। अब अविश्वास वाली बात तो देखो, अविश्वास में थोड़ी अजीब सी बात ज़रूर लगी कि अविश्वास प्रस्ताव हम लाए भी और फिर हमने वोटिंग भी नहीं कराई, अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पे हमने वॉकआउट भी कर दिया, तो वो तो एक अलग कहानी थी। लेकिन अब राज्यसभा की बात है, 2 महीने बचे हैं चुनाव के, नंबर्स की भी बात है, अब या तो इनकी ओर ध्यान देना चाहिए कि किसको अपनी ओर ला सकते हैं और किसको नहीं ला सकते, या बिल्कुल ही हमने उत्तर देना है तो वो भी बात है। देखो पार्टी में सारे जमा घटा बुलाना की जनता काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही थी और जो सिरसा चुनाव आपने जीता उसके बाद तो और भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा है, तो क्या यहाँ पे आप स्वयं आएंगे या फिर अपना ही प्रतिनिधि भेजेंगे? देखो प्रतिनिधि मेरा तो कौन है, पार्टी का होता है, लेकिन हाँ अपना उसमें हम फीडबैक ज़रूर देंगे, सारे इशारों में आपने बताया, फीडबैक तो देंगे, इनपुट तो देंगे, अभी यहाँ कौन ठीक हो कौन ना हो। अभी जैसे आपने प्रभारी को लेकर के जिक्र किया, 40 सीटों पे लोकसभा का अगर हम आकलन करें 40 सीटों पे कांग्रेस जीती है, अगर आगे भी इसी तरह से रहा तो फिर एक तरफा चला जाएगा? नहीं, एक तरफा तो नहीं है, आज के दिन तो मैं वही कह रही हूँ लग रहा है ना, अगर कैंडिडेट थोड़े और हम मजबूत देते तो ये इतना थोड़ा ही रहता, फिर तो ज़्यादा होता। लोगों की तो इच्छा थी ना, लोग तो चाह रहे थे कांग्रेस को, कांग्रेस के कैंडिडेट्स को, लेकिन अगर कैंडिडेट ही नहीं सामने, अब चाहे आप वहाँ की कर लो बात, गुड़गांव की कर लो, कैप्टन अजय होते हो, काम किया था उनको मिलता, मुझे विश्वास है कि हम पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, उदय पान जी कहते हैं अब देखो उनकी अपनी वो, लेकिन अब जब दूसरों को नसीहत दें तो खुद भी देखें कि भाई वो किस हिसाब से इस तरह की बात कह रहे हैं, क्या हाईकमांड से पूछ के आए हैं, क्या हाईकमांड ने कहा है क्या, बता दें सबको, बता दें।